नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 16 सितंबर 2019, और यहां पर हम लोग निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे दोनों इंडेक्स किस लेवल पर खड़ा है, कहां सपोर्ट ले रहा है, कहां रेजिस्टेंस ले रहा है। आपके सामने निफ्टी बैंक का चार्ट लगा हुआ है दोस्तों। निफ्टी बैंक की आज क्लोजिंग हुई है, जो बता दें निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग हुई है वो क्लोजिंग है 11,003 के आसपास। ठीक है, 11,003 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। 200 डीएमए के एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल उसके नीचे हेविटेट कर रहा है। देखिए, चार्ट टेक्निकल की बात अगर करूँ, सिर्फ टेक्निकल चार्ट की बात, तो चार्ट में बहुत अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट है, सिर्फ टेक्निकल की बात करूँ तो। लेकिन सिर्फ टेक्निकल से तो काम चलेगा नहीं, इसके अलावा ग्लोबल मार्केट को भी देखना पड़ता है, सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। जैसा कि आपने देखा, चार्ट पे पॉजिटिव होते हुए भी आज मार्केट पूरा निगेटिव मोड में रहा। अब यहाँ पे देखिए, ये चीज एक क्या कर रहा है, एक अच्छा चीज कर रहा है कि एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है हमारे पास, निफ्टी के पास एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। उस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक करके इसने जो ब्रेकआउट दिया हुआ है वो दिया है 11 तारीख को, 11 सितंबर को। 11 सितंबर को ब्रेकआउट देने के बाद सच कंटिन्यू उस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर रहा है। अगर आप, मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दूं मार्क करके, अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे, तो इस ट्रेंड लाइन को जो रेजिस्टेंस था ब्रेकआउट करने के बाद उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है निफ्टी। ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव काम कर रहा है, यानी कि निफ्टी के लिए कुल मिला के 10,930 का जो लेवल है, 10,930 का एक लेवल है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। नोट कर लीजिए आप लोग, 10,930 का जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है वो किसका सपोर्ट है, वो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का, यानी निफ्टी जब तक 10,930 के ऊपर में बैठा हुआ है वो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी अगर आप लॉन्ग बनाना चाहें तो 10,930 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, 10,930 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ पे ये बता रहा है। लेकिन अगर ये 10,930 के नीचे निफ्टी निकलता है, निफ्टी अगर 10,930 के नीचे गिर जाता है, निकल जाता है, तो वो फिर कहाँ पे आके रुकेगा, वो रुकेगा 10,880 के पास, 10,880। ये दूसरा लेवल हुआ इंपॉर्टेंट लेवल। पहला लेवल कहाँ है, 10,930 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, ट्रेंड लाइन का। दूसरा सपोर्ट जोन कहाँ, अगर उसको ब्रेक करता है तो नीचे की साइड में 10,880, ठीक है, 10,880 के आसपास में आएगा। और 10,880 को भी अगर ये ब्रेक करता है तो फिर 10,830 के आसपास के आने की कोशिश करेगा निफ्टी 50, हमारा जो इंडेक्स है वो। ऊपर की तरफ से बात करें तो ऊपर बहुत अच्छा ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है ये, इस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं। टेक्निकल बहुत अच्छा दिखा रहा है कि टेक्निकल चार्ट पे ये बहुत जबरदस्त तरीके से ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। एक लाइन को अगर मैं ऐसे ड्रॉ कराना चाहूँ, आपको यहाँ से एक ड्रॉ कराना चाहूँ, तो आप देखेंगे एक वापस से एक ट्रेंड लाइन का इसको रेजिस्टेंस है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे देखिए, यानी ऊपर जाने के लिए 11,100 का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है इसको कम से कम इसको फेस करना होगा। अब ध्यान से समझते हैं, ऊपर के लिए, अभी तो नीचे का लेवल हो रहा था, अब ऊपर के लिए 11,100 को अगर ये ब्रेक करता है तो आप देखेंगे कि ये जो 200 डीएमए का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे बैठा हुआ है, जिसका कि कैलकुलेशन 11,200 आ रहा है, उसको ये बहुत आसानी से ब्रिज कर सकता है, उसको आराम से ये रिक्लेम कर लेगा। लेकिन कब, जब ये 11,100 के ऊपर सस्टेन करेगा तब 11,200 का लेवल आपको बहुत तेजी से निफ्टी दिखाएगा। नीचे की तरफ 10,930 को अगर ब्रेक कर देता है तो 10,880, उसके बाद 10,830 का लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल नीचे की साइड में निफ्टी हमें यहाँ पे दिखा रहा है, ये इसका हुआ इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी का। इसी के हिसाब से दोस्तों, अगर हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट को देखना शुरू करें तो हम लोग बैंक निफ्टी को भी लगा लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी क्या कर रहा है कि एक सबसे पहले तो 200 डीएमए के नीचे क्लोज कर रहा है, ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। और 200 डीएमए का जो प्राइस आ रहा है वो 28,520 के आसपास का आ रहा है, 28,520 के आसपास का आ रहा है, ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ऊपर की साइड में अगर हम लोग देखना चाहें कि ऊपर और नीचे कहाँ पे ये ब्रिज करेगा, किसको ब्रिज करेगा, तब ये कहाँ जाएगा, तो यहाँ आप देखेंगे अगर हम लोग इस तरह से अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये गलत हो जाएगा। ट्रेंड लाइन जब भी ड्रॉ होगा अब यहाँ होगा, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस हुआ है, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जोन जो है बैंक निफ्टी के लिए वो 28,150 का है। बैंक निफ्टी के लिए 28,150 के, अभी हालांकि चार्ट पे 130 दिख रहा है लेकिन एक्चुअली 150 ज़्यादा बेस्ट है। 28,150 के ऊपर ज़्यादा अगर ये ब्रेक करता है तो आपको 28,520 का लेवल मिलेगा। फिर कितना का लेवल मिलेगा, 28,520 का। लेकिन कब, जब ये बैंक निफ्टी 28,150 को ऊपर की तरफ ब्रिज करेगा, सस्टेन करेगा उसके ऊपर, तो 28,500 का लेवल, 520 या 500 और 520 का लेवल आपको बहुत तेजी से बैंक निफ्टी दिखाएगा। लेकिन उसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जरा नीचे की बात कर लें,
अगर नीचे की बात कर लेते हैं तो नीचे इसने एक 4 दिनों से ना एक सपोर्ट बना के रखा है। आप जरा ध्यान रखिए, 27,550 का एक सपोर्ट है बैंक निफ्टी के पास, 27,550 का एक सपोर्ट है। बैंक निफ्टी जब तक 27,550 के ऊपर बना है तो प्रॉब्लम नहीं है, उतना कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये 27,550 को नीचे की तरफ ब्रीच करता है तो बहुत लंबा फिर इसको सपोर्ट लेना पड़ेगा, और वो सपोर्ट है पहले 27,000 का, यानी वहाँ से डायरेक्ट 500 पॉइंट खा जाएगा, नीचे लूज कर देगा, 27,500 को डायरेक्ट खा जाएगा। और दूसरा फिर सपोर्ट जो नीचे आ रहा है बैंक निफ्टी को, वो 26,600 के आसपास का आ रहा है। हालांकि उतना नीचे नहीं आना चाहिए, चार्ट पे वैसा दिख नहीं रहा है, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। सारे टेक्निकल सही होते हुए भी आज मार्केट हमारा नीचे रहा, टेक्निकल चार्ट पे मार्केट पॉजिटिव का सिग्नल था, पर आज मार्केट सारा ग्लोबल प्रेशर के वजह से आपने देखा कि मार्केट नीचे गई, तो मार्केट है कुछ भी कर सकता है, सारा प्रिडिक्शन धरा का धरा रह सकता है अगर मार्केट चाहे तो। तो ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में भी दो लेवल हो गए कि 28,150 के ऊपर निकलेगा तो लॉन्ग पोजिशन बनेगा, टारगेट रहेगा 28,500 का, और अगर ये नीचे 27,550 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर टारगेट हमारा सेल साइड में 27,000 का ओपन हो जाएगा, और अगर 27,000 को ओपन ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो 26,630 के आसपास का लेवल बैंक निफ्टी में देखने के मिल सकते हैं। अब मैं सारी चीज़ों को हटा देता हूँ यहाँ से, और इस मूविंग एवरेज को भी हटा देता हूँ। जरा हम लोग फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल लगा लेते हैं, है ना, फिबोनाची का एक लेवल लगाते हैं। अब देखते हैं कि फिबोनाची के कहाँ मिल रहा है, फिबोनाची के हिसाब से ये इंडेक्स कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, दोनों में देख लेंगे हम लोग, निफ्टी में भी देख लेंगे, बैंक निफ्टी में भी देख लेंगे। अभी 78.6 के आसपास में आप देख रहे हैं, 78.6 के आसपास में ट्रेड कर रहा है और बिल्कुल उसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है, बिल्कुल उसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है, यानी अगला टारगेट जो होगा इसका 61.8% होगा, यानी 28,500 जो कि मैंने आपको पहले लेवल होता है, लेकिन कब, जब ये ब्रेक करेगा ऊपर 28,150 को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो फिर 28,500 का लेवल आएगा। यहाँ पे फिबोनाची भी वही चीज़ दिखा रहा है, और अगर ये नीचे ब्रेक करता है 27,500 को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो आप देख रहे हैं फिर ये बहुत ज़्यादा नीचे इसको सपोर्ट है, वो लगभग 26,550 के आसपास का आ रहा है फिबोनाची के हिसाब से, ये हुआ। इसी तर्ज पे अगर हम लोग निफ्टी के भी लगा ले फिबोनाची, तो देखें जरा निफ्टी में फिबोनाची क्या बता रहा है, हम लोग सारी चीज़ों को यहाँ पे देख लेते हैं, मूविंग एवरेज हटा देते हैं या हट गए, और जरा इसको छोटा कर लेते हैं चार्ट को, और यहां से ड्रॉ कर लेते हैं फिबोनाची, ये हमने कर लिया फिबोनाची को ड्रॉ। चलिए अब देखिए फिबोनाची के हिसाब से निफ्टी भी जो हमारा 78.6% के पास में है, ऊपर की तरफ 61.8% हमारा टारगेट होगा जो कि 11,200 का लेवल आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 11,200 का लेवल आएगा, लेकिन कब, जब ये 11,100 को ब्रेक करेगा तब, और नीचे के साइड में जो लेवल आएगा वो 10,880 या 10,850, उसके बाद 10,730 तक के भी लेवल आपको नीचे के साइड में दिखा सकता है, लेकिन उतना आने का पॉसिबल है नहीं जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया। तो ये था इसका इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट पे जो दिख रहा है, टेक्निकल चार्ट पे पॉजिटिव है, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें थोड़े से नेगेटिव सेंटीमेंट बनते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए कल देखते हैं मार्केट हमारा किस लेवल पे ओपन होता है और क्या हमारा पोजीशन बनता है। मैं दूसरा वीडियो निफ्टी बैंक की एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर होता हूँ थोड़ी देर में, बने रहिए चैनल के साथ, जुड़े रहिए, देखते रहिए आरके ट्रेडिंग। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।